नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे। आज मैं आप लोगों के साथ वेज पुलाव बनाने की आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम वेज पुलाव बना रहे हैं। घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे साबुत वाले गर्म मसाले। साबुत जीरा, एक तेज़पत्ता को मैंने तोड़ करके डाल दिया है। इस तरीके से वेज पुलाव बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, झटपट बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि फेस्टिवल में क्या होता है कि फेस्टिवल के टाइम में वक्त नहीं रहता है, इसलिए हम वो रेसिपी बनाना चाहते हैं जो झटपट बन करके तैयार हो जाए और खाने में भी टेस्टी लगे। तो इसलिए मैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ बना रही हूँ। अब हम इसमें एक प्याज कट करके डाल देंगे। इसको फ्राई करेंगे। प्याज यहाँ पे हल्का हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। हम वेज पुलाव बना रहे हैं, इसलिए जो भी सब्जियाँ आपके पास हो वो सभी सब्जियाँ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मटर के दाने, काजू किशमिश ऐड कर लेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। पनीर को यहाँ पे छोटे छोटे पीसे मैंने कट कर लिया है, उसको बीच में डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो फ्राई करके डाल सकते हैं, बट ऐसे भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई ये सब्जियों के साथ हो जाएगा। अब हम इसमें गाजर को घिस करके डाल देंगे। अगर आप चाहें तो कट करके डाल सकते हैं, पर घिस करके डालने से यहाँ पे जो हमारा वेज पुलाव है उसका एक बहुत ही प्यारा सा कलर आता है जब ये गल जाती है गाजर को। एक से दो मिनट हम फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अदरक और लहसुन का यहाँ पे पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। सभी सब्जियों को एक से दो मिनट फ्राई कर लेते हैं। सारी सब्जियाँ यहाँ पे हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल जो महीन दाने वाले बासमती राइस होते हैं ना, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया है। बहुत ही अच्छा लगता है वेज पुलाव में, बिल्कुल महीन दाने वाले। तो यहाँ पे हम चावल ऐड करेंगे। एक मिनट हम चावल को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी प्यारा लग रहा है। बहुत ही कलरफुल बनकर के तैयार होता है ये वेज पुलाव। इसमें हल्दी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतनी सारी सब्जियां ऐड की है इसमें कि ग्रीन कलर और गाजर की वजह से इसका जो है थोड़ा सा रेड कलर आ जाएगा। पनीर वगैरह वाइट लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें बिल्कुल हल्का सा हम नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्का, जिससे पता चले कि हमने नमक ऐड किया है, बट ज़्यादा नमक का फ्लेवर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मिक्स कर लेंगे। चावल को फ्राई करते हुए यहाँ पे मुझे एक से दो मिनट हो चुके हैं। अब हम पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आपको चावल से थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि इसमें मैंने सब्जियाँ ऐड किया है, तो सब्जियों के अंदर जो पानी होता है वो भी यहाँ पे आएगा और चावल अच्छे से कुक हो जाएगी। ऊपर से आप देख सकते हैं चावल के जो दाने हैं बहुत ही ज़्यादा महीन हैं, तो महीन दानों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस गिलास से मैंने 4 गिलास चावल लिया था और 3 गिलास पानी लिया है। तो उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे चावल और पानी की क्वांटिटी है उसको रखनी है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। अब कुकर का ढक्कन यहाँ पे मैंने लगा दिया है, 1 सीटी आने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वेज पुलाव पूरी तरह से रेडी हो चुका है और मैंने इसको एक ट्रे में डाल दिया है। तो रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ मेरे चैनल दिलचस्प रसोई पे।